श्री गुलाब पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुलाब पुष्पांजलि श्लोक संख्या 96 तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायते देवि त्वं नयं मां चरणांतिकम्। इस श्लोक का उच्चारण सब लोग करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का शरणागति मंत्र है। तवैवास्मि 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 न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायते देवि त्वम् नयं मां चरणांतिकम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायते देवि त्वम् नयं मां चरणांतिकम्। आचार्य चरण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भयंकर विरहाग्नि में ये श्लोक प्रिया जी के लिए पुकारे हैं। जब प्रिया जी उनको निकुंज से बाहर कर दी और ललिता सखी प्रिया जी से अनुरोध की कि हे किशोरी जी, आप हमारे चलते इनको डांटी हैं, आप हमें जो डांटना है डांट। उस समय रघुनाथ गोस्वामी और भयंकर विरह के आग में जलने लगे, फूट फूट कर रोने लगे और रो रो कर के कहते हैं, हे प्राण, हे प्रियाजो, अहम तब एव अस्मि, मैं आपका ही हूँ, यहाँ भी नहीं है, ही है, मैं केवल आपका हूँ, तवैवास्मि तवैवास्मि, केवल मैं आपका हूँ, त्वया बिना न जीवामि, आपके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इतना समझ करके इति विज्ञाय त्वं मां चरणांतिकं नयः, इतना समझ करके कृपा करके आप अपने चरण के नजदीक रखिए, चरण से हमें दूर मत। छानवे श्लोक से लेकर के 104 श्लोक तक यह सिद्ध स्वरूप का मंत्र है। इतना तो साधक रूप में थे, तो सिद्ध स्वरूप में श्री तुलसी मंजरी प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं। मंजरियों का प्राण प्रिया जी है, प्रिया जी के अतिरिक्त एक क्षण भी वे लोग जीवित नहीं रह सकते। सोते जागृत अवस्था में स्वप्न में हमेशा प्रिया जी का स्मरण, एक क्षण भी अविरह नहीं सहन जाता। जागृत स्वप्न सुसुप्त में राधा पदार्थ जब छटा, बस स्वप्न हो या जागरण हो या सुसुप्ति अवस्था हो, अब प्रिया जी के अतिरिक्त उसका मन कहीं नहीं। राधा रस सुधा निधि में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जब साधक की ऐसी स्थिति आ जाती है तब उसको कोई फिकिर नहीं, तुम कहीं भेजे वैकुंठे लड़के थवा मम गति नान्यस्तु राधाम बिना, या वैकुंठ में भेजो या नरक में भेजो, हमें कोई गम नहीं है। यदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्था में आपके चरण कमल का स्मरण हो रहा है तब हमें कोई गम नहीं,
कहीं होंगे। वही यहाँ पर तुलसी मंजरी कह रही है, इति विज्ञाय देवी त्वम नयम माम जत्र देवी। साधना अवस्था में ऐसी स्थिति आती है कि हम प्रिया जी के नाम के अतिरिक्त अब कुछ उच्चारण नहीं करेंगे, प्रिया जी के नाम के अतिरिक्त न कुछ श्रवण करेंगे, प्रिया जी की सेवा के अतिरिक्त अब मैं कुछ करूंगी, ऐसी स्थिति आ जाती है। यदि जीव कृष्ण नाम प्रिया जी के नाम के अतिरिक्त कुछ निकल गया तो मन में यही अभिलाषा होती है इस जीव को काट कर फेंकेंगे। एक हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि जिहवा कटो जो अंदर, प्रिया जी के नाम के अतिरिक्त यदि जीव कुछ बोलना चाहती है तो उसको काट करके फेंक। जिहवा कटो जवन रटो निरखियन फूटो नयन, श्रवण फूटो जो अनुसुनो श्री राधा जस भय। यह स्थिति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की आगे, बस न जीवामि त्वया बिना, आपके बिना अब मैं जीवित रह ही नहीं सकती हूँ, आपकी जो इच्छा हो कर। हे प्रिया जी, आप कृपा करके अपने चरण के नजदीक रखिए, नजदीक से दूर मत कीजिए। यहाँ तक कि महात्मा लोग कहते हैं बस कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, और कान से अब दूसरा नाम हम सुनेंगे नहीं, एक ही रंग में रंगेंगे, बस ये अवस्था है। इसको कहते हैं जात रति साधक की स्थिति। जब साधना अवस्था पार करके सिद्धा अवस्था में प्रवेश कर जाता है तब उसकी स्थिति ऐसी निराली हो जाती है, अब कान से दूसरा कुछ सुनना नहीं चाहेगा, एक रंग में हमेशा रंगा रहता है। धोखा से भी यदि दूसरे का नाम निकल जाता है तो मन करता है इंद्रिय को काट कर फेंक दे। यह ऐसी चित्त की वृत्ति आ जाती है। यहाँ तक कहती है ब्रज गोपी गोपियां की बाबरी वो अखिया जर जाए जो सावरी छोर निहारे हुए। ये हमारी आंख पूरा गंभीरा में श्री गौरांग महाप्रभु राधा रस मंजरी स्त्रोत गाए हैं कि अब उस प्रिया जी के कुंज में काला भी गोरा बन गया और कुछ रहा ही नहीं, बस प्रिया जी के अतिरिक्त कोई नहीं। ऐसी स्थिति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी काल की हो गई है। यहाँ पर इसके बाद जो जो श्लोक आएगा अब सिद्ध स्वरूप का श्लोक है। साधन पथ पर, साधन स्तर पर जब चलते चलते साधक की स्थिति जब आगे बढ़ जाती है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति पार करके जब जात रति स्थिति में आ जाती है, रति प्रेम मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव मोदन मादन रूढ़ विरूढ़, अब भाव आगे जब चला जाता है तो अब साधक इस धरातल पर नहीं रहता, उसकी स्थिति धीरे 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 वह शरणागति पर आ जाता है। देखिए दो तरह की शरणागति है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं परम भूय कैसे है, 18:64 श्लोक, परम भूय से भूय बात अब मैं कहने जा रहा हूँ, अर्जुन तुम ध्यान देकर सुनो। वो श्लोक कैसे है, परम भूय श्रीणु में वचन बना, मैं अब तुझको परम गुह्य बात गुह्य से गुह्य गोपनीय से गोपनीय रहस्य मैं तुझको बताने जा रहा हूं, तुम भी ध्यान लगाकर सुन, अपना मन को इधर उधर मत कर। अर्जुन सतर्क हो गया क्या कहने जा रहे हैं, तो भगवान यही कहे सर्व धर्मान परित्यज, अब तुम सब कुछ छोड़, माम एकम शरणम, केवल एकम का मान एकम, ये नहीं कि तो अश्लोक भगवान के सामने कह देते हैं तुम्हें माता सपिता तुम्हें, तुम ही हमारे माता हो, एक हमारी माँ घर में नहीं, एक माता तुम हो एक, ऐसा नहीं तुम हमारा धन हो, एक धन मेरा है एक धन मेरा बैंक में, एक धन तुम हो और एक बैंक, ऐसी नहीं, तुम्हें माता तुम ही मेरी माँ, बस अब दूसरा कोई हमारा किसी से रिलेशन नहीं, तुम ही हमारे पिता हो, ये नहीं कि एक हमारा संसारिक पिता है और एक तुम पिता हो, डबल एक, बस तुम ही हमारा धन हो, तुम ही हमारा सब कुछ है, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं, यही भगवान गोपनीय रहस्य बता रहे, यही गोपनीय रहस्य। तब एव असमी, मैं केवल आपकी हूँ, मैं केवल आपकी हूँ, आपके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता,
यही शरणागति भाव है। शरणागति का क्या है, छह मंत्र है ना, आनुकल आनुकूलस्य संकल्प, कैसे श्लोक है, कौन 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 ये छह शरणागति का मंत्र, षडंग शरणागति हई भोजहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद। यही पहला है अनुकूलस्य संकल्प, जो भगवत प्रीति का अनुकूल है उसको करने का संकल्प ले, यही पहला। बस एक पहला संकल्प क्या है, मैं कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलूंगा, अनुकूलस्य संकल्प, जो भगवत भक्ति में सहायक है उसी का संकल्प, इसके अतिरिक्त मैं किसी का संकल्प, बस ममो तमस्लोक जनेशु सत्यम, बस अपने श्री कृष्ण के प्राण प्यारे भक्तों के संग के अतिरिक्त में किसी का संग नहीं करूंगा। यदि धोखा सा किसी का संग हो भी गया तो मैं इसको अब सहन नहीं करूंगा। अनुकूलस्य संकल्प पहला मंत्र है, ये शरणागति का पहला मंत्र है। और दूसरा मंत्र है प्रतिकूलस्य वर्जन, जो भगवत विरोधी वस्तु है, भगवत चिंतन के विमुख वस्तु है, उसका हम संग नहीं करेंगे। बरु भलवास नरक करता था पुष्ट संग मोहिदे होगी, हमको नरक में दे तो ठीक है, लेकिन वैसे लोगों का संग कभी मत देना जिसके संग से आपकी विस्मृति हो। यह दूसरा मंत्र है शरणागति, अनुकूलस्य संकल्प अप्रतिकूलस्य वर्जन। और तीसरा है रक्षतीति, बस हम पर कोई विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाए, ये हमारे पास कोई विपत्ति आ जाए तो हम किसी के शरण में नहीं जाए, ये कितना भी कष्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, अब आपको हमको पैसा की जरूरत पड़े तो किसी सेठ साहूकार के पास नहीं जाए, किसी से हम याचना नहीं करें, इसी को कहते हैं रक्षतीति विश्वास है। हमको विश्वास है प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, जो माता के पेट में हमारी रक्षा किए वो अभी भी रक्षा करेंगे, तो हम उनके अतिरिक्त किसी को वर्ण किसी की हम वो नहीं करेंगे। गोपतृत्व वर्ण हम वर्ण उन्हीं का करेंगे, हम अपनी रक्षा के लिए उन्हीं का रक्षा करेंगे, यही है। और आत्मनिक्षेप शरणागति धर्म में जब विभीषण जी चले हैं तो छह शरणागति विभीषण जी में, अनुकूलस्य चलहु हरसि रघुनायक पाहि, बस जब विवाद हुआ दो भाइयों में रावण में और विभीषण में, और विभीषण सभा के बीच में उपदेश दिया अपने भाई को कि अरे भैया तुम श्री राम के शरण में चले जाओ, क्या है इस चक्कर में, तो रावण को सहन नहीं हुआ, खींच करके 100,000 विभीषण को मारा। आचार्य लोग इस तो इसमें टीका लिखे हैं कि भाई 100,000 मारा रावण की, कहा कि अरे तुम मेरे पास क्यों लात मारा, पैर मारा कि पैर का देवता विष्णु है राम, उसके शरण में चले जाना रहे कि क्या जरूरत मारा, तो इतना सुना इतना मारा तो चलो हरसि रघुनायक पाहि करत मनोरथ बहुमन माय, ये संकल्प वो चल दिया भगवान राम के पास। अप्रतिकूलता क्या, अब मैं रघुवीर शरण जब जाऊं दे ही जानी, ऐसा समझ करके अब सारे संसार के कष्ट को भी मैं सारे संसार के दुख को छोड़ करके भी मैं राघवेंद्र सरकार के शरण में जाऊं, ये क्योंकि उनको पता है, विभीषण जी को पता है कि एक बार श्री राम के शरण में यदि कोई जीव आ जाता है तो शरण गए प्रभु जो एक बार शरण में आ जाता है
ठाकुर जिसको कभी नहीं त्यागते, ये भगवान का बिरद है। सकृत देव प्रपन्याय तवास नित च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाति मे तद्व्रतम्। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं कि एक बार भी यदि कोई जीव मेरे शरण में आ जाए, सकृत देव, सकृत का अर्थ होता है एक बार भी यदि कोई आ जाए और अपने दोनों हाथ उठा करके कहे कि हे नाथ आप मेरे, बस एक बार यदि कोई कहे सकृत देव प्रपन्नाय तब अस्मि इति याचते, ये मंत्र है ना, तवैवास्मि न जीवामि त्वयापि। भगवान का ये उद्घोषणा है ठाकुर जी का कि एक बार यदि कोई मेरे शरण में आ जाए और शरण में आकर के कहे हे नाथ मैं तव अस्मि, मैं आपका, तो भगवान उस समय क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ उठा करके कहते हैं अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाति मे तद्व्रतम्। अब तुझको किसी से भय है, अब तुम निर्भय हो गया, ये है। और इसके बाद भगवान को ही अपना रक्षक मानना, अपना हमेशा उस अवस्था में भी अपने को हीन समझना, ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूं, अपने को छोटा मानना, यही सहज पाप प्रियता देहा, यही ऐसी स्थिति कि मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ, ऐसा हमेशा अपने में काट रखना, कृपा पड़ना। ये छह शरणागति के साथ यदि कोई वीर ठाकुर जी के शरण में आता है तो कितना भी बड़ा पापी है, यहाँ तक कि सारे संसार को भी मारने वाला यदि द्रोही आ जाए, हनुमान जी कहते हैं कि अरे रावण तुम भगवान के शरण में चले जाओ, तो शायद रावण कहे कि हमारे जैसे पापी को रख लेंगे, हम तो इतना बड़ा पापी हूँ, मुझको अपन भगवान अपने शरण में रख लेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं अरे तुम क्या हो, विश्वद्रोही यदि हजारों ब्राह्मणों का कत्ल करने वाला जीव भी एक बार भगवान के शरण में आ गया तो भगवान उसका पाप कभी देखेंगे, ये भगवान के ऊपर। तुम ठाकुर जी के शरण में आ जाओ, और यदि तुम शरण में आओगे तो भगवान कभी तुम्हारी त्याग कर नहीं सकते, ऐसी ठाकुर जी की स्थिति है, ऐसा भगवान की स्थिति। हम लोग अनादि काल से न जाने कौन कौन सा पाप करके यहाँ पर आए हैं, इस जगत में आए हैं, और यदि हम ये सोचे कि हमारा कैसे उद्धार हो जाएगा तो कहते हैं बस तुम यही सोच लो कि मैं ठाकुर जी के शरण में हूँ, ठाकुर जी हमारे हैं, इसके अतिरिक्त हमारा कुछ भी नहीं। ऐसी यदि केवल एक बार निष्ठा हो जाए तो भगवान कभी उसको छोड़ नहीं सकते, ये है ये कार्पण्य दोष है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो साधक हमेशा अपने स्थिति में ही रहता है, अर्थात उसका मन बुद्धि चित सदैव ठाकुर जी की शरण में रहता है। रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर कितना विरह है भयंकर, क्योंकि ये विरह सीखे हैं श्री गौरांग महाप्रभु से, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ये 16 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे और वहाँ जाकर के जो गौरांग महाप्रभु तड़पे हैं, रोए हैं, इतना रोए हैं, उस इस रोलाई का, उस भयंकर उन्माद का दर्शन किए हैं। श्री गौरांग महाप्रभु राधा भाव विभूत विभावित होकर के जो रोते थे और रो रो करके कहते थे, वह स्थिति ठीक इनकी आगे साधक की अंतिम स्थिति क्या है जो गौर महाप्रभु की गंभीर आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद स्वरूप दामोदर को पकड़ करके कहते थे सखी हे कोथा कृष्ण करा दर्शन, अब मुझे सहा नहीं जाएगा, क्षणिक जहार मुख ना देखी पे खाते को शीघ्र देखाओ न रहे जीवन। ये सब अपने आंख से रघुनाथ दास गोस्वामी देखे हैं, वही स्थिति इनकी आ गई है। जब महाप्रभु राय रमानंद और स्वरूप दामोदर को पकड़ करके उनके गले को और कहते थे हे स्वरूप हे राय तुम कृपा करके एक बार प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करा दो, यदि तुम दर्शन नहीं कराएगा तो मेरा छाती फट जाएगा, हमारा अब जीवन नहीं रहेगा, कहाँ नंद कुमार हैं, कहाँ वह सिखी पिक्ष मुकुटधारी हैं, कहाँ वो मंद मंद मुरली बजाने वाले प्यारे श्याम सुंदर हैं,
कहां वह देवताओं से भी वर्जित श्री कृष्ण का जो चरण कमल है वो कहां पर है? सखी बताओ, मैं उनके बिना अब नहीं रह सकता हूँ। कहाँ करूँ, कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन? कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन? कहाँ वे मुरली मंद मंद मुरली बजाने वाले प्यारे श्याम सुंदर है? कहाँ वे कहिबो के बाद जाने मोर दुख? जिस स्थिति में महाप्रभु हैं उस स्थिति में तो कोई है नहीं, तो गौरांग महाप्रभु के दुख को भला कौन समझ सकता है? महाप्रभु कहते हैं मैं किससे कहूँ, कौन मेरा दुख दूर करेगा? ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर भू। प्राण प्यारे श्याम सुंदर के बिना हमारी छाती फटा जा रहा है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड के तट पर प्रिया जी के विरह में हो रहा है। श्री गौरांग महाप्रभु ने हमको पकड़ करके बता दिया कि तुम राधा दासी है और हमारी प्रिया हमारी स्वामी हमसे दूर है, फिर भी मैं जीवित हूँ। हे प्रिया जो अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। नयम माम चरणांतिकम, जहाँ आप हैं वहाँ आप हमको लेकर चलिए, अब हमारा यह शरीर छूटेगा नहीं। स्वामी की विरह यांत्रणा सहने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। विरह विष ज्वाला से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के प्राण कंठ तक आ गए हैं। विरहानल में देह मन प्राण जल रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद विरह रस की साक्षात मूर्ति प्रकट हो गए हैं। अब न उनकी खाने की इच्छा, न पहनने की, न देखने की, अब उनका तड़पन दिन रात बढ़ता हुआ जा रहा है। दास गोस्वामी की कथा कहने को भला कौन कह सकता है? दास गोस्वामी कथा कहने न जाए, निरंतर दग्ध हिया विरह व्यथाय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा कौन कह सकता है? महाराज उनका हृदय हमेशा फटता जा रहा है। वास्तव में हम लोग तो बक बक ऐसे सुन रहे हैं, बोल रहे कि विरह क्या होता है, कौन जानता है? संसार का विरह विरह तो है नहीं, असली विरह तो भगवान की है। हम लोग प्राय संसार में भी देखते हैं, यदि किसी माँ को अपने बेटा से प्यार होता है तो बेटा के लिए तड़पती है, रोती है, किसी स्त्री को अपने पति से, तो एक प्यार स्वार्थ पर टिका हुआ तो प्यार है नहीं। लेकिन इस संसार में भी प्राय देखा जाता है, यहाँ तक लिखा गया है कि निष्पैतम रहितम प्रेम यह संसारे न भवती। निष्कपट प्रेम इस संसार में कभी संभव है ही नहीं, कोई नहीं सकता। और यदि कदाचित हो जाए तो विरह नहीं सहन कर सकता, और यदि कदाचित विरह हो जाए तो जीवित नहीं रह सकता। तो वैसी स्थिति यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की है। बस तदैक जीवनम, और प्रिया जी की ही, प्रिया जी के अतिरिक्त अब उनका मन अब कहीं नहीं जा रहा। यहाँ तक कह रहे हैं पल काटो सही नहीं नयनम के, गिरधारी बिना पल अन्य निहारे। एक गोपी कह रही है कि अरे सखी मैं क्या करूं, जब से नंद नंदन श्री कृष्ण को अपने नेत्र पलट में एक बार देख ली हूँ, अब हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि अब मैं जी सकती न मर सकती, मर भी नहीं सकती कि शायद वो मरने से पहले एक बार नजर आ जाए। और जीने की तो अब बात ही नहीं, यहाँ तक कि उसके नाम में जो रस मिल गया है अब नाम भी नहीं निकलता है उसका, तो मन करता है जीवा बेकार हो गया। जीव कटे न बजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। ऐसी स्थिति आ गई है। गोपी कहे जरि जाओ हिया पद पंकज बिना पल अंतर धाय। अब तो रात दिन उसी श्री कृष्ण नंद नंदन श्री कृष्ण के चरण कमल हमारे हृदय में है, उसके अतिरिक्त अब हमको जिया नहीं जा रहा है। शीष नवय ब्रजराज बिना यह शीष ही काट कुमा दिन गा। अब हमारा शीष प्यारे नंद नंदन प्यारे श्याम सुंदर के अतिरिक्त कहीं न रह सकता है। यही है प्रीति रसेर डाली तनु मन दिया छी तुम्हारी पाए, तुम्ही मोर पति तुम्ही मोर गति प्राण आर नहीं चाहे। प्रेम रस मदिरा में उन्मत्त होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी अब कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, हमारा शरीर हमारा मन हमारा बुद्धि सब कुछ तुम्हारे चरण में लग गया है, तुम्ही हमारे पति हो, तुम्ही हमारे गति हो, तुम्ही हमारे प्राण हो। अरे कहाँ तक कहूँ, तुम्हारे बिना अब मन मेरा कहीं लग नहीं सकता है। यही है भजन की उच्चतम स्थिति।
जब प्रेम की तरंग जब बढ़ता है हृदय में तो ऐसी स्थिति आ जाती है, प्रेम को कोई क्या समझेगा। जहां बल थाकत औषधि के सब रोग से प्रेम के रोग बढ़े। दवा करते करते लोग थक जाते हैं फिर भी रोग ठीक नहीं होता है तो कहते इसको प्रेम रोग लग गया। ये प्रेम रोग ऐसा रोग है जो गोपियों ब्रज गोपी को लग गया है। वो चाहती हैं छोड़ना, कहती हैं करी सकी क्या करो, उसको देखती हूँ तो देखने बिना नहीं रह जाता और नहीं देखती हूँ तब भी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। स्वामी की विरह यंत्रणा सहने की शक्ति अब उसमें नहीं रह पाए। गौर सुंदर के एकांत स्नेह कृपा कृपा के अभिषिक्त श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का जो विरह देखे हैं वही विप्रलम परस घन मूर्ति श्री गौर का सुगंभीर लीला का दर्शन करने वाला यही साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी। छह गोस्वामियों में यही एक रघुनाथ दास गोस्वामी है जो श्री गौरांग महाप्रभु की पूरा गंभीर लीला देखे। भजन निष्ठ प्रेमी जन गौर सुंदर की गंभीरा लीला का दशा स्वादन कर समझ सकते हैं कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कैसी स्थिति है। उनका प्राण अपने प्रियतम से मिलने के लिए छटपटा रहा है और प्रेम का आकर्षण कितना प्रबल है कि उनका साक्षात पाने के लिए प्रेमिक भक्ति की कितनी व्याकुलता और कितनी चेष्टा है। आज नीरव में जहाँ कोई नहीं है राधा कुंड के तट पर इनका प्रलाप चल रहा है। देखिए इस श्लोक के बाद एक एक श्लोक में अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। अब प्रिया जी का विरह, प्रिया जी की लीला, प्रिया जी की सखी, प्रिया जी की एक एक सेवा, उसके लिए भी इतना भयंकर तड़पन हो गया है। आचार्य लोग कहते हैं कि विलास पुष्पांजलि के बाद में अपने शरीर को रखने पर इतना भयंकर उनकी स्थिति आ गई। यह रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य उसी में अवगाहन करते रहे, बहुत समय नीलाचल में प्रभु के साथ रहे। कितने दिन अब प्रभु के साथ इतना भयंकर विरह का भी अनुभव देखे थे, अब कैसे प्रभाव होगा। अब इनका धीरे 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 ऐसी स्थिति आ गई कि कुंज तीर पर निरस्त समस्त प्राणी एक अखंड विषाद मग्न में रहने लगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद एक अंतिम स्थिति का वर्णन करते हुए विभाव अनुभाव संचारी भाव का वर्णन करते हैं कि उसमें साधक की वो उस समय सिद्ध की ऐसी स्थिति हो जाती है, लगता है कि प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी अभी मिल गए तो बड़ा हर्ष होता है। प्रिया जी हमको सेवा दे दी तो लगता है कि मुझको अब गर्व हो गया। तत्काल पता चला कि प्रिया जी नहीं है, निर्वेद आ गया। ये संचारी भाव प्रेम। इसके बाद देखा कि हम यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो मन की केवल कल्पना बात है तो विषाद में धड़ाम से नीचे गिर गए। फिर दैन्यता आई, अपने को दीनहीन मानने लगे कि हम अनधिकारी जी उस लीला में भला कैसे प्रवेश कर सकते हैं, प्रिया जी की सेवा के मैं कैसे अधिकारी हूँ। इसके बाद भयंकर चिंता हुआ और चिंता में अनेक प्रकार का चिंतन करने लगे। अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कहाँ रहूँ, कहाँ भागू, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसी स्थिति में श्री गौरांग महाप्रभु कभी समुद्र में गिर जाते थे और सब भक्त लोग खोजने लगते थे कहाँ गए, लेकिन कौन खोज पाएगा। इसके बाद साधक की ऐसी स्थिति आती है फिर स्मृति, प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण होने लगता है, बार बार चिंतन करने लगते हैं, फिर बार बार शंका, मति, उत्सुकता, चपलता, ऐसी स्थिति आ जाती है जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में भी दिख रहा है। वितर्क, फिर आवेग, लज्जा, जाड़, जड़ता। देखिए ये सब जो सूत्र बनाया गया है एक एक सूत्र महाप्रभु के हृदय में प्रकट हुआ है। कभी कभी श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा से दौड़ कर जाते और जहाँ गाय रहती थी वहीं गिर जाते और गिर करके एकदम जड़ता आ जाती, या तो शरीर बहुत लंबा हो जाता या छोटा हो जाता, ऐसी स्थिति आ जाती, मोटाई भाव आ जाता, मोह हो जाता, ये स्थिति आ जाती, उन्माद, पागल जैसे इधर उधर दौड़ने लगते, कभी इधर भागते कभी इधर भागते, कौन उनको समझे पकड़ना चाहिए। बोध, स्वप्न,
ऐसी स्थिति आ जाती है। श्री गौरांग महाप्रभु सोए हुए हैं और सोते सोते देख रहे हैं कि मैं रासलीला में प्रवेश कर गया, प्रियालाल का नित्य रास चल रहा है उसमें भी मैं सेवा में लग गया। तब तक जगा देता था कोई तो गाली देने लगते, अरे तुम उसको क्यों यहाँ लाए, मैं तो रासलीला देख रहा था। स्वप्न कभी कभी ठीक सोए हुए एक का एक शरीर छीण हो जाता, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब मैं मर गया, ये शरीर रहा नहीं। श्वेत कांप रोमांच जो अस्त्र शास्त्र के भाव है ये हमेशा होने लगता है। जो एक एक सूत्र है सब साधक के सिद्धावस्था में स्थिति आ जाती है, यही यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी की स्थिति आ गई है। सुविशाल विरह सिंधु में रघुनाथ जी रघुनाथ गोस्वामी महाराज नित्य अवगाहन कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, नीलाचल में प्रभु की चरण छाया में रह करके जो स्थिति देखे है वही कह रहे हैं जीवन मरण नीति तुम्हीं से हमारे गति का, ये साधक की स्थिति आ जाती है। असल बात है हम लोग सोचते हैं कि मर जाएंगे वैकुंठ में चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जो रघुनाथ दास गोस्वामी स्थिति नहीं आएगी तो मरने के बाद भगवत धाम में नहीं आएगा, और फिर ऐसी स्थिति आएगी। ये शरीर क्या है, जिस स्थिति में है हम जिस स्थिति में मरते हैं फिर उसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। जहाँ हमारा मन है, जहाँ हमारा बुद्धि है, जहाँ लगा हुआ है, जब धान में लगा है तो फिर मर कर वहीं पर जाएंगे। इसीलिए जीवित जी ही हमारी जैसी हमेशा हमेशा करके एक स्थिति बना रहे, खूब जीवन भर भजन किया, मरते समय यदि थोड़ा सा भी मन संसार में चला गया तो फिर वहीं जाना पड़ेगा, भले वहां जाकर के फिर पुरानी स्थिति आ जाए लेकिन जाना पड़ेगा। राम सुखदास जी कहते थे खूब सज धज करके कोई आए और कहे कि मेरा फोटो खींचो, और फोटो खींचते समय उसका नाक मुंह जैसा सिकुड़ा हुआ रहेगा वैसा ही फोटो आए, वैसे ही मरते समय जिसकी जैसी स्थिति रहे फिर वही स्थिति आ जाए, ये साधक की स्थिति है। तो भजन कर इसीलिए महात्मा लोग हमेशा एक रस में रहते हैं, जागते हैं तभी भगवान का नाम लेते हैं, सोते हैं तभी भगवान का नाम लेते हैं, स्वप्न में भी ठाकुर जी का नाम लेते हैं, भगवत चिंतन ही करते हैं। यहाँ से कहते हैं कि प्रभु उन लोगों का संग हमको कभी मत देना जिसका मन धाम में स्त्री में लगा, बस यही कहते हैं। ममो तमस्लोक जनेशु सख्यम संसार चक्र भ्रमतः सुकर्म त्वन मायात्मा मजदार गेह स्वासक्त चित्त शरणात हो। हे प्रभु देखिए वित्रास कह रहे हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं और वित्रास ठाकुर जी कहते हैं तू वरदान मांग ले तुम्हारी जो इच्छा है वो। वित्रासुर यह नहीं कहते हैं कि हे प्रभु आप अपना संग दे दीजिए, क्योंकि कृष्ण के संग में कोई फायदा नहीं है, उनके संग में क्या फायदा, कुछ तो फायदा है, फायदा किसके साथ है।